नमस्कार दोस्तों, फार्मा टीवी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइज रिडक्शन के कई टॉपिक्स को हमने कवर किया है। साइज रिडक्शन में उसमें एडवांटेजेस, उसके यूजेस, उसका प्रिंसिपल्स और बहुत सारी डिटेल्स हमने कवर की है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियोस के टैब में आपको वो सारे वीडियोस देखने को मिल जाए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है भावेश और आप ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रूरल मिल्क के प्रिंसिपल के बारे में, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके यूज, उसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। रोलर मिल के बारे में जो भी कोई क्वेश्चन है तो वो तुरंत ही आपको सॉल्व हो जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि ये रोलर मिल का जो टॉपिक है वो आपको पूरा हिंदी में कवर करके आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप हमारे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको दिखाई देगा, तो वो ईमेल एड्रेस पे आप मेल भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और हम आपके ईमेल का या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोलर मिल के प्रिंसिपल से। रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो रोलर मिल है यूज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस बाय रोटेटिंग व्हील्स एंड एट्रिशन। मतलब कि जो यहाँ पे जो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो यहाँ पे दो रोलर रोटेट होते रहते हैं, ये रोलर इस डायरेक्शन में हमने देखा है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे करें तो ये पूरे ऐसे सिलिंड्रिकल व्हील्स रहते हैं। तो ये अभी हमने दो सिलिंड्रिकल व्हील्स का यूज आपको यहाँ पे बताया है। तो वैसे दो सिलिंड्रिकल व्हील्स भी होते हैं या फिर तीन सिलिंड्रिकल व्हील्स भी रहते हैं, ये डिपेंड करता है हमें कौन सी पार्टिकल्स का कैसे साइज रिडक्शन करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें फीट रहता है, यहाँ पे जो भी पार्टिकल का साइज रिडक्शन करना है वो हमें यहाँ पे एंटर करना रहता है और ये दो रोलर की मदद से यहाँ पे एट्रिशन होता है और ये जो है पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, उसका प्रेशर की मदद से यहाँ पे साइज रिडक्शन होता है, यहाँ पे हमें फीट में आउटपुट मिल जाता है। तो ये हो गया रोलर व्हील का डायग्राम और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देखें तो रोलर रोटेट्स एट द डिफरेंट स्पीड एंड मटेरियल इज पास थ्रू द गैप। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि रोलर, ये जो दो रोलर है वो डिफरेंट स्पीड पे रोटेट होते रहते हैं और ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे हमें पास आउट किया। इसके बारे में और हम बताएं तो टू ऑब्टेन डिजायर पार्टिकल वी शुड कंट्रोल, मतलब कि जो भी पार्टिकल का हमें साइज जैसा भी हमें चाहिए तो इसके लिए हमें ये तीन चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। मतलब कि जो भी पार्टिकल का साइज बड़ा या फिर छोटा, इसके लिए ये तीन चीज़ डिपेंड करती है। पहला जो है वो गैप बिटवीन द रोलर्स, मतलब कि यहाँ पे जो दो रोलर है उसके बीच में जो ये गैप है सिलिंड्रिकल के बीच में जो गैप है व्हील के बीच में, तो उसके ऊपर ये पार्टिकल का साइज डिपेंड करता है। सपोज कि इतना गैप है दो व्हील के बीच में तो इतनी साइज का पार्टिकल रिड्यूस होगा, अगर बहुत ही छोटा सा है 2 mm का या 3 mm का जो भी गैप है तो उस गैप के मुताबिक पार्टिकल का साइज डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है स्पीड डिफरेंस बिटवीन द रोलर्स, मतलब कि ये जो दो रोलर्स के बीच में जो स्पीड है, मतलब एक रोलर, दो जो रोलर है वो जितनी स्पीड से रोटेट होते हैं उसके ऊपर पार्टिकल का साइज डिपेंड करता है। और तीसरा है फीड रेट, तो फीड रेट की यहाँ पे जैसे कि हमने पार्टिकल को एंटर किया तो जितना भी, मतलब हम ज़्यादा अगर फीड रेट कर देते हैं तो ये मिल को चलने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, पार्टिकल का साइज रिडक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फीड रेट को भी कंट्रोल करना जरूरी रहता है जब हमें ऑप्टिमम साइज के हमारे डिजायर्ड पार्टिकल चाहिए उस टाइम पे। तो ये हो गया रोलर मिल का प्रिंसिपल, उसके वर्किंग और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं रोलर मिल के यूज़ के बारे में। रोलर मिल कहाँ यूज़ होता है? रोलर मिल जनरली ऑइंटमेंट है, पेस्ट, क्रीम एंड अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जो भी प्रिपरेशन हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में करते हैं तो उसमें पेस्ट आते हैं, क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, तो उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके जो प्रिपरेशन में जो पार्टिकल का साइज रिडक्शन होता है उसके लिए रोलर मिल का यूज होता है। दूसरी एक चीज़ है कि क्रशिंग सीड्स प्रियर टू एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन होता है तो उससे पहले सीड्स को क्रश करना रहता है, तो क्रश जो होता है वो ये रोलर मिल की मदद से होता है। तो अब हम बात करते हैं रोलर मिल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो मुझे आशा है कि जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ कि आपको अगर और भी कोई फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट में या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है वो हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है, उस पर आप ईमेल कर सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका फ़ोटो खींचिए, उसका वर्ड फाइल जो भी है वो हमें ये ईमेल पे भेज दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि वो टॉपिक को भी आपके लिए कवर कर सके हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं ये रोलर मिल का एडवांटेजेस के बारे में। तो रोलर मिल का फर्स्ट एडवांटेज है कि प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म लेस फाइन्स ओवरसाइज पार्टिकल
व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कि जो ये रोलर मिल का हम यूज़ करते हैं तो ये एकदम से फाइन पार्टिकल और मोर यूनिफॉर्म, मतलब एकदम सही सभी जो पार्टिकल्स है, तो ये जो रोलर मिल है ये एकदम सभी जो पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं साइज रिडक्शन के दौरान, तो सभी पार्टिकल का साइज एक ही सेम ही रहता है। और एक है प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कि ये जो रोलर मिल की मदद से जो हम साइज रिडक्शन करते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एकदम बेस्ट है एज कम्पेयर टू दूसरे मिल। दूसरी एक बड़ा एडवांटेज है, जनरेट लेस हीट, यूजुअली 0 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन लाइक हैमर मिल अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम हैमर मिल के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, उस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो जो हैमर मिल है वो 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हीट जनरेट करती है, यहाँ पे जो रोलर मिल है वो 0 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड ही हीट जनरेट करती है। तो मतलब कि हैमर मिल के कंपेयर में इसकी जो हीट जनरेशन कैपेसिटी है वो कम है। तो मतलब कि जो थर्मोलेबल सब्सटेंस है वो हम रोलर मिल में यूज़ कर सकते हैं लेकिन हैमर मिल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो थर्मोलेबल सब्सटेंस जो है वो हीट के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते और प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होना पॉसिबल है। तो ये रोलर मिल में हम थर्मोलेबल सब्सटेंस का भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ है लेस मॉइस्चर लॉस, जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है कोई भी ड्रग का साइज रिडक्शन करते हैं तो उस समय उसमें कुछ मॉइस्चर लॉस होता है, लेकिन ये जो रोलर मिल की मदद से हम साइज रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर लॉस होता है लेकिन कम रहता है। लो मशीन नॉइस लेवल, ये जो बॉल मिल है या फिर हैमर मिल है उसमें नॉइस लेवल ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रोलर मिल, और रोलर मिल में जो ऑपरेट करते हैं उस टाइम पे उसका नॉइस लेवल कम रहता है। तो ये एक और एडवांटेज हो गया। और एक एडवांटेज है एनर्जी इफिशियंट, मतलब कि जो एनर्जी कंजप्शन है वो इसका कम है एज कम्पेयर टू अदर मिल्स। एक और एडवांटेज है इसका कि रिड्यूसिंग वर्क हैज़र्ड ड्यू टू डस्ट जनरेशन फ्रॉम द मिलिंग मटेरियल। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो रोलर मिल कोई भी मिल्स होती है उसका साइज रिडक्शन हम करते हैं तो उस टाइम पे जो भी डस्ट प्रोडक्शन होता है, जो भी पार्टिकल का साइज का रिडक्शन होने के टाइम पे डस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम बात करें कि सीमेंट, तो सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी साइज रिडक्शन होता है तो उस टाइम पे जो भी डस्ट फॉर्मेशन होता है तो वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और ह्यूमन को भी प्रॉब्लम रहता है हेल्थ केयर रिलेटेड लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये जो रोलर मिल की मदद से जो साइज रिडक्शन होता है उसमें हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी ऑपरेटर है उसको हेल्थ केयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो गया। तो अब हम बात करते हैं रोलर मिल के डिसएडवांटेज के बारे में। तो रोलर मिल का पहला डिसएडवांटेज है नॉट इफेक्टिव फॉर फाइब्रस प्रोडक्ट्स, जो भी फाइब्रस प्रोडक्ट्स है उसके साइज रिडक्शन के लिए रोलर मिल इफेक्टिव नहीं है। और जो कटर मिल है, रोटरी कटर मिल या फिर और कई मिल्स है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं फाइब्रस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये जो रोलर मिल है वो फाइब्रस प्रोडक्ट के साइज रिडक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं है। दूसरा एक डिसएडवांटेज है एडिशनल ऑपरेट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एज रोलर नीड्स टू बी एडजस्ट टू सूट द ग्राइंडिंग रिक्वायरमेंट्स। रोलर मिल जब हम ऑपरेट करते हैं उसका वर्क होता है तो उसके ऊपर एक ह्यूमन होना जरूरी है उसका ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसका जो रोलर के बीच में जो गैप है रोलर को एडजस्ट करना जरूरी रहता है। रोलर का जो साइज एडजस्टमेंट है उसके लिए हमें एक हेल्पर या फिर एक ऑपरेटर की ज़रूरत रहती है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी सो सारे मिल ऑटोमेटिक रहते हैं लेकिन इसमें ऑपरेटर इनपुट्स रिक्वायर होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये रोलर मिल के बारे में पूरा पता चल गया होगा। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल का आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।